हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं विकास द्विकृति सर का दृष्टि ऑप्शनल में वीडियो शेयर करने जा रहा हूं आप सभी को। मुझे लगा है कि आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। यह हिंदी ऑप्शनल है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपको IAS का पढ़ाया जाता है, UPPCS और बिहार PCS के संदर्भ में पढ़ाया जाता है विकास द्विकृति सर जी का द्वारा। और यह मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है। कोर्स दो टाइप का होता है, एक ऑनलाइन होता है, पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स में तो आपको सिस्टम में देख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स में आपका तो मोबाइल और टैब में भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं सेकंड में बात करूंगा इसका, मैं कितना में परचेज किया था, और थर्ड में बात करूंगा इसके टेस्ट सीरीज के संदर्भ में इसमें दिया हुआ है फीचर। चलिए स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी के साथ 67, 68, 69 BPSC के संदर्भ में टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूं, मेंस के भी संदर्भ में और आगे में मैं बना रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बुक जो मैंने तो इसको खोल चुका हूं इसको, और इसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले कुछ अंदर दिया हुआ है, इसी के अंदर पैक था, मैं इसको बाहर निकाल दिया हूँ, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है IAS UPPCS और BPSC हिंदी लिटरेचर ऑनलाइन कोर्स है, यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने इसको खोल चुका हूँ पहले ही, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर दिया है, इसी फीचर के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य का कक्षा क्रम दिया हुआ है, विकास द्विकृति सर जी के द्वारा क्या क्या पढ़ाया जाता है। लेक्चर 1 जैसे कि लेक्चर संख्या दिया, पाठ्यक्रम संख्या दिया हुआ है, तो लेक्चर 1 संख्या में क्या पढ़ाया जाता है, जैसे साहित्य का सामान्य परिचय, पाठ्यक्रम चर्चा। सेकंड लेक्चर में आपके कहानी के तत्व दिया हुआ है। थर्ड में लेक्चर हिंदी कहानी का इतिहास दिया हुआ है, उसी के संदर्भ में। यहाँ पे टोटल क्लासेस आपका इसमें 80 है, ठीक है। और इसमें भी इसमें यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ओवरऑल क्लास कितना है, टोटल इसमें क्लास 157 लेक्चर है, ठीक है। यह UPSC का है, ये आपका क्लास के संदर्भ में हो गया। और सेकंड में मैं कितना में खरीदा था, मैं इसके संदर्भ में बात करूँगा। चलिए पहले हम बुक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बुक क्या क्या है इसमें, मैं जो निकाल दिया पहले उसके साथ आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए बुक यह है आपका, फर्स्ट बुक है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट बुक है इसका, आपका प्राइस आपको अगर ख़रीदना चाहें तो इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा अंदर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ भारत की दुर्दशा बुक तो बहुत सारे हैं, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट में मैं वीडियो बुक को रिव्यू कर दे रहा हूँ, कौन कौन से भारत की दुर्दशा है। और सेकेंड बुक आपका स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का द्वारा है। और महाभोज है मनु भंडारी का है, ठीक है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का बुक है, देख सकते हैं आप। और दिव्या का है, ठीक है, बुक्स है। और नेक्स्ट आपका कुरुक्षेत्र है, ठीक है, यह दिनकर जी का है। और नेक्स्ट बुक आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति चिंतामणि पहला भाग, ये सब UPSC और BPSC UPPCS तीनों के संदर्भ में मैं बुक रिव्यू कर रहा हूँ। ऑल का बुक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ एकाध सेलेक्टेड बुक UPPCS और BPSC के संदर्भ में दिया हुआ, उसके संदर्भ में भी बात करूँगा, इसमें दिया हुआ है बुक, ठीक है। स्वर्ण जयंती प्लस दिया हुआ गोदान का है, प्रेमचंद्र का है, प्रेमचंद्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत भारतीय लिखा हुआ है, श्री मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट बुक है आपका प्रेम मंजूषा, ठीक है, संकलित कहानियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक दुनिया समानांतर, स्वतंत्रता के बाद सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं, किनके द्वारा, राजेंद्र यादव के द्वारा संपादक हैं। और नेक्स्ट आपका निबंध निलय दिया हुआ, संपादक सत्येंद्र जी का के द्वारा दिया हुआ है बुक। मैला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु का है, देख सकते हैं। और आपका हो गया आषाढ़ का एक दिन, ठीक है फ्रेंड्स, यह तो बुक हो गया। और नेक्स्ट मैं इसमें जो दिया हुआ है इसके बारे में, इसमें क्या क्या कौन सी बुक दिया हुआ है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए
यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ वैकल्पिक विषय ऑडियो वीडियो क्लासेस है। इसमें ऑडियो वीडियो क्लासेस इसमें दिया क्लासेस के संदर्भ में दिया हुआ है। यहाँ पे वैकल्पिक अर्थ और महत्व दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। मुझे लगा है कि आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ हिंदी साहित्य का क्लास नोट्स पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन या दृष्टि IAS का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के संदर्भ में दिया हुआ है। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं बुक थोड़ा इधर उधर हो गया, मैंने खुद खोल के देखा था, इसलिए मैं बुक सीरियल वाइज जैसा कि देख लीजिए। यहाँ पर आपका हिंदी साहित्य का दृष्टि का क्लास वन नोट्स है। किसको अंदर खोल के थोड़ा दिखाना, प्रिंटेड नोट्स है। रिव्यू करना थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं अंदर नहीं बता रहा हूँ खोल कर। और हिंदी साहित्य के क्लास नोट्स भाग टू है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य का क्लास नोट्स भाग थ्री है। और हिंदी साहित्य का क्लास नोट्स भाग फोर है, यानी हिंदी साहित्य का क्लास फोर भाग तक दिया हुआ, यानी चार बुक है आपका यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे चार बुक हिंदी साहित्य का है ऑलरेडी, देख सकते हैं, ठीक है, चार बुक। और नेक्स्ट आपका हो गया हिंदी साहित्य का क्लास नोट्स है उत्तर प्रदेश, यही है उत्तर प्रदेश विशेष है। सभी पढ़ने के बाद और ये एक यह बुक सिर्फ पढ़ लीजिए और 10-12 क्लास लगभग है UPPCS का। इतना करने के बाद आपका UPPCS भी आई ऑप्शनल हिंदी ऑप्शनल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टोटल पढ़ लीजिएगा आप हिंदी साहित्य का क्लास नोट्स। यहाँ पे बिहार विशेष के संदर्भ में दिया हुआ, यानी जितने भी ऑल क्लासेस 179 क्लासेस है। टोटल UPSC का क्लास 157 क्लास है। और जैसे कि इसमें शेड्यूल में दिया हुआ था कितना ओवरऑल क्लास है, एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं इसमें 157 क्लास है टोटल UPSC का। और 12 क्लास आपका इंक्लूडेड किया है, 10-12 क्लासेस आपके UPPCS का हो गया, 10-12 क्लासेस आपको बिहार PCS का हो गया। तो आपको सभी पढ़ने के बाद इतना आप पढ़ लीजिएगा तो आपका बिहार भी आपका इस बिहार हिंदी ऑप्शनल जो BPSC में पूछा जाता है हिंदी ऑप्शनल, वो भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और क्या क्या इसमें फीचर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है यह लिफाफा है। यह लिफाफा किस काम का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह दृष्टि है इसका हिंदी साहित्य का लिटरेचर का कक्षा की जांच परीक्षा है। यानी जो आप पढ़िएगा आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आप इसमें आंसर राइटिंग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आंसर राइटिंग करने के बाद पेज है आंसर राइटिंग करने के बाद इस लिफाफे के अंदर पैक कर दीजिए, पैक करके और आपको इस एड्रेस में भेज देना है। यानी 18 टेस्ट सीरीज है, मैंने पहले टेस्ट सीरीज के बारे में बात किया था, यही है टेस्ट सीरीज, टोटल 18 दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। कैसी पेज इसी में आया था आपका, और इसमें टोटल आपका देख सकते हैं 1 से लेकर आपका 18 टेस्ट सीरीज है। तो ये 18 लिफाफा और 18 पेजेस दिया हुआ है, उसमें लिखने के बाद आंसर राइटिंग करने के बाद और इस एड्रेस में दिल्ली में भेज सकते हैं दृष्टि IAS के पास। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपका प्राइस के बारे में, देख लीजिए प्राइस कितना है इसका। टोटल इस यह 40,000 में हिंदी ऑप्शन मिलता है, लेकिन कुछ डिस्काउंट था तो डिस्काउंट रहने के कारण मैं इसको मुझे 8,000 डिस्काउंट मिला, तो मैंने 32,000 में परचेज किया है। और आपका कितना टैक्स लगा है इसके संदर्भ में दिया हुआ, SGST CGST मतलब स्टेट GST दिया हुआ, सेंट्रल GST दिया हुआ, कितना कितना लगा देख सकते हैं। यही है हिंदी ऑप्शन के संदर्भ में बुक का रिव्यू। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी के साथ मैं अपडेट में बना रहूँ और आगे भी नेक्स्ट बातें करते रहूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू।